सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण रेशे के सूक्ष्मदर्शी लक्षणों को उजागर करता है। लंबाई के साथ देखने पर सतह के लक्षण उजागर होते हैं। जब एक रेशे को लंबवत दिशा में कर पतले अनुप्रस्थ काट की परीक्षा सूक्ष्मदर्शी द्वारा की जाती है, तब अनुप्रस्थ काट की आकृति कुछ रेशों को पहचानने में सहायता कर सकती है। सामान्यतः कम से कम 100 आवर्धक यानी मैग्निफिकेशन वाला एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप प्रयोग में लाया जाता है। एक प्रोजेक्शन सूक्ष्मदर्शी को वरीयता दी जाती है क्योंकि यह एक पर्दे पर बड़ा यानी इनलार्जर दृश्य प्रदान करता है। जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। यदि पोलराइजिंग सूक्ष्मदर्शी होगा तो अंतर अधिक तीखा होगा और सूचनाएं भी अधिक एकत्रित की जा सकेंगी। इस प्रकार पोलराइजिंग प्रोजेक्शन सूक्ष्मदर्शी द्वारा विवरणों का अधिक मात्रा में प्राप्त होना संभव होता है, जिससे सामान्यतः इनका प्रयोग पहचानने में किया जाता है। अनुप्रस्थ काट का निर्माण निम्नांकित विधि से किया जा सकता है। सीधे एवं समांतर रेशों के एक गट्टे यानी बंडल को एक कार्क में एक ऐसी सुई की सहायता से अंतः स्थापित किया जाता है जिसमें धागे या फिलामेंट तंतु पिरोए गए होते हैं। फिर उस कार्क की एक पतली सी काट यानी सेक्शन एक नए ब्लेड की सहायता से बहुत सावधानी पूर्वक काट लिया जाता है एवं इस महीन काट को एक शीशे की स्लाइड पर रखकर उसे सेलो टेप से सुरक्षित कर दिया जाता है। अब इस स्लाइड को एक सूक्ष्मदर्शी पर लगाया जाता है। अनुप्रस्थ काट दृश्य से रेशे को पहचानने में सहायता होती है। एक स्केचिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पर कपास, ऊन और रेशम के अनुप्रस्थ काट यानी शीर्ष तथा अनुदैर्ध्य काट दृश्यों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यह विशेष बात है कि इन रेशों के लक्षण परस्पर पूरी तौर पर अलग हैं, जिससे उनकी पहचान में सहायता होती है। कुछ अन्य रेशों के प्रदर्शित विशिष्ट लक्षण चित्र में व्यवस्थित रूप से दिखाए गए हैं। यह कहा जा सकता है कि पॉलिएस्टर और नायलॉन महत्वपूर्ण कृत्रिम रेशा सामान्यतः वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाले होते हैं तथा उनके अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ काट से संबंधित दृश्य लक्षण विहीन होते हैं, अतः इनको पहचानने में महत्वपूर्ण रूप से सूक्ष्मदर्शी परीक्षण सहायक नहीं होते हैं। इस वर्ग में कुछ त्रिभुजाकार, अष्टभुजाकार इत्यादि वृत्ताकार दैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ काट वाले दृश्यों का निरीक्षण करने के उपरांत सामान्य सारांश तालिका संख्या 3.1 में दिया गया है। इसमें कुछ साधारण रेशों का सूक्ष्मदर्शी लक्षण बताए गए हैं, जिसको कि 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में रेशा,
दूसरे में अनुदैर्य काट, तीसरे एवं अंतिम खंड में अनुप्रस्थ काट। इसमें सबसे पहला रेशा कपास है, जिसके अनुदैर्य काट में यह चपटा, अनियमित रिबन जैसा, जो ऐंठन के साथ अपनी दिशा बदल देते हैं। मर्सराइज्ड कॉटन अपेक्षाकृत अधिक चिकना तथा कम अनियमित है। कपास के अनुप्रस्थ काट में मूंगफली या सेम के आकार वाले होते हैं, जिसमें भीतर ल्यूमन होती है। दूसरे रेशों में ऊन, जो कि खुरदरी सतह यानी रफ सरफेस, जिसमें से स्केल्स बाहर की ओर उभरते हुए होते हैं। इसके अनुप्रस्थ काट में लगभग गोल मोटे रेशों में विद्यमान मेड्यूला तथा अनियमित आकार वाला होता है। यह रेशम गोंद रहित यानी चिकना, लंबाई में स्पष्ट रेखाएं दिखती हैं। इसके अनुप्रस्थ काट में अधिकांशतः त्रिभुजाकार अनियमित आकार होता है। विस्कोस रेयॉन रेशे में रेखित एवं चिकना होता है। इसकी अनुप्रस्थ काट अनियमित दांतेदार होती है। नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीप्रोपिलीन में अनुदैर्य काट चिकने छड़ी स्वरूप और अनुप्रस्थ काट नियमित गोल होती है। एक्रेलिक रेशों में अनुदैर्य काट चपटे अनियमित रेखाओं वाले एवं अनुप्रस्थ काट अनियमित डॉग बोन होती हैं। यह अनुप्रस्थ काट काटने पर कभी कभी ढका हुआ रह जाता है।